हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पुदीना के फायदा बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप सब जरूर जानते होंगे। जो पुदीना होते हैं हमारे घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यह वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि इसे बिच्छू के जो डंक होते हैं वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो रहे वह ठीक हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पुदीना है अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है, और इसका प्रयोग हम ज्यादातर चटनी के रूप में करते हैं। जो मंजन आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, हम इसका प्रयोग होते हुए देखे हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सिखाऊंगा, पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि कुछ भी जो जानकारी होती है आयुर्वेद के संबंध में फालतू नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। वीडियो को अगर आप आधे बीच में छोड़ करके जाते हो सकते हैं पुदीने के द्वारा जो प्राकृतिक उपचार सिखा दूं, आपके घर परिवार में किसी को परेशानी हो ठीक हो जाए, तो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। गाइस, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में पेड़ पौधे संबंधी आयुर्वेद के संबंधी हर प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाए जाते हैं। अगर मैं इसके औषधीय गुणों की बात करूं तो ये बालों को झड़ने से रोकता है। जी हाँ, जो पुदीना होता है इसमें वात शामक गुण होते हैं, जो कि बाल में अगर रूखेपन आ गए हैं समय से पूर्व, जो बाल बेजान पड़ गए, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। इसका पेस्ट बनाना होता है, इसका पेस्ट बना करके बालों पर लगाएं, या इसका रस निकाल करके बालों के जड़ों पर भी अगर अच्छी तरह से मालिश किया जाए तो बाल का झड़ना रुक जाते हैं और बाल तेजी से उगने लगते हैं। जो झड़े हुए बाल है उगने लगते हैं। कान के दर्द में अगर अचानक किसी को कान में दर्द होता है, कान में मवाद आ गए हैं, कान में पीप निकलता है, कान से खून निकलता है, तो इसके पत्ते का रस निकाले, थोड़ा सा गुनगुना करके एक से दो बूंद कान में डाल दे, तो कान के हर प्रकार के दर्द दूर हो जाते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अब अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो बहुत से लोगों के सिर में दर्द होते हैं। देखिए, अभी गर्मी के सीजन में सिर में दर्द होना ये कॉमन सी बात है, हर किसी के में होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तुरंत डिस्प्रिन है मार्केट में मिलने वाले अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आप आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप पुदीने का प्रयोग करेंगे तो आपके सिर के दर्द को ठीक करेंगे। दूसरी बात, अगर गर्मी बढ़ने के कारण सिर के दर्द हो रहे हैं, वात पित्त कफ तीनों दोषों के कारण जो सिर के दर्द हो रहे हैं वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे, तो इसके चाय बना करके पीना होता है, या इसका पेस्ट बना करके सिर पर लगा दीजिए, अपने कपाल पर लगा दीजिए, तो सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। मुंह में छाले पड़ गए तो इसके पत्ते का काढ़ा बना करके गरार करें, मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। दांत के दर्द हो रहे मित्रों, देखिए दांत के दर्द होना कॉमन सी बात है, अगर हम अनाप शनाप खाते हैं तो जो छोटे छोटे जो हम जो भी चीजों को खाते हैं दांतों में जाते हैं, तो इसके कारण क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं हमारे दांतों में, तो दांतों में दर्द होने लगते हैं। तो पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। पुदीने का क्या करें, इसके पत्ते को सुखा लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर के चूर्ण बनाकर के मंजन की तरह अपने दांतों पर मले, तो दांत के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अपच है तो अपच को भी दूर करने का काम करते हैं। पेट में गड़बड़ी कारण अपच हो गए हैं तो नींबू, पुदीना और अदरक, ये तीनों को 600 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। किसको लेना है, नींबू का रस लेना है, पुदीना लेना है, और अदरक को कम से कम आपको 10 ml के आसपास में इसका रस लेना है। सभी को मिला करके 200 ग्राम की खांड में मिला दें और इसे बर्तन में डाल करके पका ले, काढ़ा बना ले, और हो सके तो 20 ग्राम के आसपास में उसमें गुड़ भी ले सकते हैं, 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इसे सेवन करें तो अपच दूर हो जाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यह प्रयोग करने से भूख भी बढ़ता है, अगर आप मैं वीडियो में भी जो प्रयोग बताई हूँ, यह करने से आपके शरीर में भूख नहीं लग रहा है तो भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। पेट में गड़बड़ी आ गए तो पेट की गड़बड़ी को दूर कर देते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होता है वह दर्द को दूर कर देते हैं। अगर ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो 10 से 20 ml इसके मात्रा में सेवन करने से ज्यादा जो दस्त हो रहे हैं या पतले दस्त हो रहे हैं, दस्त के साथ में खून निकलना वह भी बंद हो जाते हैं। मूत्र विकार में भी काफी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जी हाँ, अगर पेशाब में जलन हो रहे हैं तो पुदीने का चाय पीजिए, पेशाब की जलन दूर हो जाते हैं, पेशाब रुक रुक करके आ रहे हो भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद ये हाथी पांव को दूर करता है मित्रों, बहुत से लोग हाथी पांव से परेशान रहते हैं, कई वीडियो में हाथी पांव का भी घरेलू उपचार बता चुका हूं। तो इसके दर्द से छुटकारा पाने के लिए या हाथी पांव को ठीक करने के लिए आप क्या करें, पुदीने का काढ़ा बना ले और इसे 10 से 20 ml की मात्रा में प्रतिदिन पीजिए, तो ये फाइलेरिया के जो बैक्टीरिया रहते हैं उसे खत्म करने का काम करते हैं, यानी कि हाथी पांव फैलाने वाला जो जीवाणु रहता है उसे मारने का काम करते हैं। पुदीने का पंचांग बना लीजिए, इसका काढ़ा बना ले और घाव को धोने से अगर घाव जल्दी भर नहीं रहे तो घाव जल्दी भरने लगते हैं, मासिक धर्म में ऐंठन हो रही है, तो ये पुदीने का जो है कहा जाए इसका काढ़ा बना लीजिए या चाय बना लीजिए, इसके पीने से मासिक धर्म में काफी दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, बुखार है, शरीर में जलन है, वह भी दूर हो जाती है।
अंतिम फायदा के रूप में बताना चाहूंगा, बिच्छू काटने पर भी अगर इसके पत्ते को पीस करके बिच्छू जहाँ पे काटे डंग मारे वहाँ पे लगा देने से बिच्छू के दर्द और जो जहर होते हैं जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। कॉमेंट बॉक्स में छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिख देना, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है। हम इसे कभी भी समाप्त नहीं होने देंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे और भारत के हर गांव में हर कस्बों में YouTube चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी को फिर से फैलाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।